ये हमारी बसें, ये देखें सबसे पहले गरम गरम चाय हो जाए। हमारे पास सारी लग्जूरियस क्लास बसेस हैं। ये जी हमारे बिलाल भाई पीके बसेस के, आप जानते होंगे। लुक एट दैट गाइस, ये कितने साल से काम कर रहे हो? 12 से। टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है, स्पाइसी, स्पाइस लेवल अच्छा है। You know, on this street, there's quite a lot of Sone Allah. This is one of the oldest shops here. What is it? This is Sada. This is Akhrot. This is Double Akhrot. So yeah guys, सुबह हो गई जी और हम जी रुके हुए जी रहीम यार खान के पास, और इधर जो है हमारी बस रुकी हुई है आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स, और मैं स्पेशली खाना खाने के लिए नाश्ता भी कर लिया, और ये जी हमारी बसें, ठीक है। और सिस्टम थोड़ा मेरे हिसाब से ठीक ठाक था, कोई ख़ास नहीं था, और बाकी जो है और देख बात साथ साथ में हम बोलते जाएंगे। सिर्फ आपको ये है कि अगर आपने सहूलत करनी है मेरे हिसाब से बिजनेस क्लास में जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये वाली एक्सक्लूसिव वाली कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी यही बसें, ये देखें ये शहजादा वाली बस है, ठीक है, इसमें हम बैठे थे। ये अभी जाएगी इधर से 2 घंटे की टू मुल्तान, और सबसे पहले गरम गरम चाय हो जाए। एक बात है, पाकिस्तान आने से और जब भी जिधर भी मैंने चाय पी है ना, मज़ेदार की चाय बनती है, प्रॉपर करेक्ट टाइप, और एक टेस्ट अपना होता है, ठीक है। इस तरीके की चाय मुश्किल से यूके में बनेगी। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई द टी, मेक श्योर यू ट्राई योर टी एनीवेयर अराउंड द सिटीज, मेक श्योर यू डेफिनेटली ट्राई द टीज। सो गाइज, आपने देखा बस तो देख ली है, अब जो है हम एक शख्स से बनाते हैं। सो बेसिकली ब्रदर हियर, ही इज़ इन चार्ज ऑफ द होल ऑफ दिस एरिया, GM operations of the Shehzada, जो बसेस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है, ठीक है भाई? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी अपना भाई नाम बताएं। शहजाद हुसैन नाम है मेरा जी, और अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा एक्सप्रेस बस सर्विस से बिलोंग करते हैं। तो बसों के बारे में बताएं, कौन सी टाइप की बसेज हैं आपके पास और क्लासेज? हमारे पास सारी लग्जूरियस क्लास बसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यो टोंग, जोंग टोंग और हाइगर, किंग लॉन्ग, इस तरह की मल्टी टाइप बसें हैं जिसमें बिजनेस क्लास है, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास है, और स्लीपर की तरफ हम अभी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट उसमें जाएंगे। तो लोग आते हैं काफ़ी दूरों से भी आते हैं, और मतलब कि ट्रैवलिंग करते रहते हैं इधर उधर, तो प्राइस वाइज भी काफ़ी सब अच्छी है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस रखी हुई हैं, हालाँकि इस महंगाई के दौर में हम अपने पैसेंजर्स को काफ़ी सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानी करेगा, हम अपने प्रोडक्ट को अपने लोगों तक, पाकिस्तान की गरीब आवाम को जितना हो सकता है फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। और चाहे आप किधर जाना है, आपने किसी सिटी से उस सिटी जाना है, जैसे कराची से मुल्तान, मुल्तान से कहीं और, आपकी बसें हर जगह जी अल्हम्दुलिल्लाह, कराची से पिंडी, कराची से बांसेरा, था कोट, उगी, KPK तक, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फराबाद तक जाते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग है, कोई इस तरीके से होती है? जी जी, ऑनलाइन बुकिंग हमारा UAN नंबर है, और उसके अलावा हमारे और बहुत से तरीक़ाकार हैं। आप हमारे UAN पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे जो है वो अपना हमें वेब पे सर्च कर सकते हैं, और इस डिफरेंट व्हाट्सएप पे, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक, इंस्टा, इस सब पे हम अवेलेबल हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने का, और आपसे भी मिलकर बहुत खुशी है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओला मैं से अमर, जंप ऑन द बस, क्योंकि हमारी बस जा रही है, हमने भी निकलना है।
सो गाइस हम जी उतर चुके हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट पॉइंट बट इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हियर ऑल द वे टू मुल्तान, यू नो द प्रॉपर जो मेन जो पॉइंट है. सो लकली हमारे जो एक भाई हैं, ही इज़ गोना कम डाउन टू पिक अस अप, उनसे भी आपको मिलाते हैं इंशाल्लाह. वो ये अलग से अभी है ना गाइस, जस्ट टू लेट यू नो इधर तो बहुत गर्मी हो स्वेटिंग, यू नो. सो बेसिकली जितना कराची में गर्मी नहीं थी, इससे डबल ट्रिपल गर्मी लग रही है मुझे तो. और अभी फेस क्रीम भी नहीं लगाया. नॉर्मली क्या होता है, मैं जो काला ना हो जाऊँ तो क्रीम श्रीम लगाते हैं, क्योंकि धूप ऐसी है, सही लग रही है. सो यू गाइस मस्ट सी, लुक एट दिस. ये जी आपको मैं बता रहा था फोटो सन का. सो दिस ग्रास इज़ अ क्वाइट नाइस. सो अगेन थैंक्स टू माई कज़न तनवीर, बिग शाउट आउट गोज़ टू हिज तनवीर ऑप्टिकल. तो उसने जी हुक किया है एक ज़बरदस्त, और ग्लासेस भी एक और भी बनाए, लेकिन फॉर द ट्रिप माशाल्लाह इट्स ऑलराइट. एंड या सो आई गाइस वी जस्ट वेट फॉर बिलाल नाउ. वेल इनसे भी मुलाकात कराते हैं आपको, शायद बहुत सारे लोग जान पहचान भी होगी, लेकिन आप नहीं जानते होंगे तो आपसे उनसे भी मुलाकात करवाते हैं. सो वी आर वेटिंग इन अवर एरिया. लुक एट दिस, इतना सन्नाटा क्यों है भाई. Literally the bus drop was out of nowhere. हम कहाँ पहुँचे कुछ पता नहीं, कहाँ उसने उतारा है, बिहारी इंटरचेंज में. फील्ड ही फील्ड है बस, कुछ नहीं, नो वन हियर. ओह गाइस यस, हमने बस थोड़ा इंतज़ार किया और हमारे जो बिलाल भाई हैं वो आ चुके हैं. बड़ी अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी, एसी लगी हुई है, मज़ा आ रहा है. ये जी हमारे बिलाल भाई पीके बसेस के आप जानते होंगे, तो इनके काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने वीडियो काफ़ी बनाते रहे हैं बसों की भी, और इनके साथ फैसल मूवर है, वो भी बहुत सारी जो बसें हैं उनके साथ इनका काम रहता रहता है, ट्रैवल भी करते हैं काफ़ी. तो एक जो है होता है ना कि आप आए हैं ट्रैवल करने के लिए, तो कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए बस के हवाले से. तो ये जो है इनका जो वेबसाइट है और साथ में जो चैनल है उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो बेसिकली वो ट्राइंग टू से एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग coaches, buses or anything like that, the prices, you guys can check it out. This is the website. Check it out. And you know what? It's so hot. Badi garmi hai. Karachi se zyada idhar garmi hai. Karachi mein to garmi thi nahi. गाइस ये इन्होंने हमारा जी ब्लॉक कर दिया रोड. ओ हेलो जल्दी जल्दी कमान. लुक रहा गाइस, इन्होंने जी हमारा रोड ब्लॉक कर दिया जी. हमारा लुक रोड खाओ दिस इज द ओनली प्रॉब्लम अराउंड हियर. बहुत ज़्यादा और मिला तेरी क्या. बिलाल भाई क्या हो रहा है इधर? इधर बस ऐसे ही इधर आई तुम्हें कोई साइड पे हो. ये देखो जी, ये देखो मेरे साइड पे भी आई हुई. खाओ एक साइड पे लगावा सबको. देखो गाइस खाओ ऑन द रोड. चाचा साइड पे हो जाओ. यार वही रास्ता सही है. दिस इज द फन, यू नो यू गेट टू सी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन पाकिस्तान. वो आपने देखा होगा कराची में कैसे वो गार को पिकअप किया हुआ था उन्होंने, पता है वो कैसे किया था? वो जो फोग लिफ्ट नहीं होता, फोग लिफ्ट से उन्होंने गाड़ी को जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे. और इधर जो आप देखेंगे रोडों पे कोई नहीं, काउज है जो भी आ जाते हैं. सो दिस इज द फन ऑफ पाकिस्तान लाइक सेड. सो लाइक आई सेड वी आर इन मुल्तान, वी आर हेडिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ मुल्तान. सो कीप वॉचिंग दानिश व्लॉगर, ये सब्सक्राइब करें जल्दी से, जस्ट इन केस इफ यू मिस एनी ऑफ माई व्लॉग्स make sure you subscribe right now with the bell icon, press the bell icon so you get to see some amazing vlogs in coming days.
guys, we have landed our stop. So like I said, all the way from UK, and now we are in Multan. So this is one of the basically जो local हमारे बिलाल भाई हैं वो भी कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि इनकी जो बिरयानी है काफ़ी मशहूर है. So the biryani is amazing. This place is called Naveed Chicken Biryani. ठीक है, और करते हैं chicken broth भी करते हैं. तो बिरयानी भी है और chicken broth भी है. हो सकता है कि हम दोनों चीज़ें ट्राई कर लें, या हो सकता है बिरयानी इनकी ट्राई करें, आप पता नहीं है. तो ये जी ढाबा स्टाइल कह सकते हैं, होटल कह सकते हैं इसको, इस तरीके से पाकिस्तान का आप देख सकते हैं फोर्ट के पास. ठीक है, जो वो देखें वो फोर्ट, फोर्ट देख रहे हैं आप जो किला है. सो दैट्स व्हाट वी गोना गो नेक्स्ट इंशाल्लाह. लेकिन उससे पहले क्योंकि हम ट्रैवल किए हुए, हमें भूख लगी हुई है, हम लोग जी करते हैं इधर खाना खाते हैं. खाने के बाद थोड़ा खाना होगा, एक्टिव होंगे, जान पे जान आएगी, तब आगे वीडियो बना पाएंगे. सो लेट्स नॉट डिले, चलो हमारे नार. ये जी कबाब कर रहा है जी इधर, ज़बरदस्त हमारे भाई हमारे इस तरीके से डेली बनाते रहते हैं फ्रेश फ्रेश. बाप जी तर रहे हैं जी, अभी कबाब है ना, शामी कबाब, शामी कबाब बना रहे हैं इधर हमारे भाई लोग. और स्मेल बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, ऑयली तो है लेकिन जो एक स्मेल होती है ना मज़ेदार की, नाक पे आ रही है. सो दे मेक सम अमेजिंग कबाब, लुक एट शामी कबाब. अलॉव द प्लेस इज टेंड टू डू लाइक चपली कबाब, बट दीस गाइस आर डूइंग लाइक शामी कबाब. आई थिंक दे आर नोन फॉर द चिकन बिरयानी. आगे देखते हैं अगर और चीज़ भी बनाते हैं. लेट्स गो, लेट्स हैव अ लुक. अपेरेंटली दिस प्लेस इज रियली रैम्प बिजी, बैठने की जगह नहीं है बेसिकली, दैट्स हाउ बिजी इट इज. So this is the kebab guys. दो शादी लेग के साथ एक सिंगल इधर है. फ्रेश होकर आता हूँ. कम होगा काफ़ी लोग. ये फुल लेग के साथ दो शादी और एक सिंगल लेकर जा रहे हैं जी शामी कबाब. पाँच पार्सल है. और ये दो बात क्या है, एक सिंगल, एक सिंगल इधर है वो. आइटम है जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं. और 21 दिन
कितने बजे से खुलता है, कितने बजे ये खड़ा से मगरी तक? अच्छा, जबरदस्त। और ऐसी बिजी होता है, हम तो अभी आए तो जगह भी नहीं है। जबरदस्त। ये चटनी ये ब्रोस के साथ खाते हैं? अच्छा, ये ब्रोस और अच्छा अच्छा चावल के साथ, साथ के साथ। भाई क्या हाल है, ठीक है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। अच्छा, और कहाँ से? लोकल वो नहीं, मैं आउटसाइडर। अच्छा, आउटसाइडर है, मतलब कि इधर सिटी से बाहर आने वाले से। जबरदस्त। तो इधर आए स्पेशल खाना खाने? हाँ, इधर की बिरयानी बिल्कुल। क्या मशहूर, क्या पसंद है ज़्यादा आपको? चिकन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है। चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी है। और टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। स्पाइसी है या तो बिरयानी? स्पाइसी है। अच्छा, तो लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे अगर वो इधर आना चाहें, कौन सी चीज़? ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। ज़बरदस्त, ठीक है। और भाई आपको कैसा लगा? अच्छा, ज़बरदस्त। ओके, खाना ज़बरदस्त, ठीक है। ठीक है, खाना कैसा है? अच्छा, ज़बरदस्त। कौन सा क्या लिया, चिकन की बिरयानी? चिकन, चिकन बिरयानी। स्पाइस है? नॉर्मल है। नॉर्मल, चले साथ में चटनी मिली, चटनी का तो फर्क होगा। जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अच्छा, ज़बरदस्त। चले, तो क्या नाम है? मोहम्मद हसन। उमर? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। और आपका जी? मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया, ज़बरदस्त। तो इधर की बताएं खाना, आप स्पेशली इधर खाने के लिए आए? स्पेशल खाने या स्पेशल? अच्छा, कहाँ से आए? दूध कहीं इधर रहते हैं लोकल? मुल्तान में ही है, लेकिन ये यहाँ की बहुत फेवरेट। Hey guys, you guys must have seen it, heard from a lot of people. They're loving the biryani, the pulao here, and the bros as well at the same time. And that's the reason why I am here, because I want to try the amazing food out as well. Because we Multan, Karachi se kafi safar tha hamara Multan tak. So, abhi kuch hum acha sa khana khayenge. Aur is khana bhi khayenge acha sa, zabardast, try bhi karenge. Aur fir aap logo ko batayenge ki idhar ka khana waqai acha hai. गाइस, बड़ी अच्छी बैठने की जगह मिली है जी, ये देखो जी। धूप इतनी है और जिधर धूप लग रही है उसे को सामने बेंचेस हैं, लेकिन उधर इतनी जालिम तेज धूप है, हमने कहा हम नीचे ही बैठते हैं। इस तरीके देखो, देसी स्टाइल, देसी माहौल, पाकिस्तान में तो लाजमी इस तरीके से ही बैठेंगे। बट यू नो आई एम रियली स्वेटिंग अ लॉट, इट्स रियली हॉट। सो बेसिकली द कोले बिरयानी, बट यू कांट बीट कराची बिरयानी, यू नो व्हाट वी गोना डू। जन टेस्ट है, क्विकली टेस्ट, और आपको फौरन से बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। डू अ क्विक रिव्यू द कोले बिरयानी, दिस इज पुलाव। ये मेरे हिसाब से पुलाव है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, गरम गरम है, स्पाइस लेवल अच्छा है, नाइस स्पाइसी, नो ओवरली स्पाइसी। चिकन को चेक करते हैं, चिकन को ये मैंने गरम गरम है, ये जी इनका चिकन है, गरम गरम है, ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। हमने एक आइटम लिया है और एक आइटम इनका ज़बरदस्त है, बाकी और का मुझे नहीं मालूम। अपना ट्राइड जैसे कह रहे हैं, थोड़ा स्पाइस है जो अच्छा है, प्लेन होता तो वो मज़ा नहीं आता। अकुर एडेड सम चटनी एंड ऑल्सो अ लेफ्ट चटनी डालने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे खाओ ऐसे भी मज़ा आएगा। सो वी गोना एंजॉय एंड देन वी गोना गो इनटू द किला। सो गाइस, देयर यू गो, ये जी किला है, ठीक है। दिस इज़ द किला इन मुल्तान, द वेल नोन किला। और पीछे आपने देखा था मुल्तान, आपने देखा था कि वो मज़ार भी आया था, हम मज़ार के अंदर तो नहीं गए, बहरहाल जैसा भी है, ये जी ये आप देखें, ये जी किला है। सो फर्स्ट टाइम आई कम डाउन टू मुल्तान, पहली दफ़ा मैं मुल्तान आया हूँ, पहली दफ़ा मैंने ये किला विज़िट किया है, ठीक है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो वी गोना गो अप देयर, ठीक है, दैट्स व्हेयर वी गोना गो अप। देयर यू गो गाइस, दिस इज़ द प्लेस ऑफ द हिस्ट्री। ये कौन खड़े हुए हैं इधर सब लोग? यो That's how this killer started basically. Multan. ठीक है, this is 1285 AD. ये
आर्ट गैलरी मतलब के इस किले के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन गिविंग इंफॉर्मेशन लाइक इफ यू लीव ऑल दैट बिट नाउ ऑलरेडी उधर से चल चल कर हमारी जो गुड एक्सरसाइज हो रही है ठीक है साफ हो रही है अभी अब देखो दैट्स व्हाई यू कॉल यू नीड टू हैव अ गुड स्टैमिना नॉट लाइक मी दिस अमेजिंग व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस गैलरी पूरा का ऑलमोस्ट मुल्तान आपको हर कोने कोने का देखने को मिलेगा ठीक है There you go. There you go. So everywhere you got a nice view. So this is the other view that I'm going to show you guys now. ठीक है? ये वाला आप लोगों को दिव्य दिखाते हैं. ये look at the arrow sign there. और इधर जो है, वो देखो, वो हमने उधर खाना खाया, उधर से खाना लिया था, ठीक है? वो सामने देखें. Zoom करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? हाँ, इधर जी हमने खाना खाया था. दे जो लिया था हमने बिरयानी कहते हैं पुलाव बट द मेन थिंग इज द व्यू अब बाकी इस तरफ जो है टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट द बेस्ट व्यू उस तरफ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इधर काफ़ी ग्रीनरी है और ये जो है मेन ये आ चुका है देखो ये जी किला सबसे ज़्यादा मिलेंगे सोहे का हलवा सोने हलवा मुल्तानी सोहा हलवा क्या डिफरेंट डिफरेंट किस्म के साइज़ डिफरेंट है साइज भी ये कौन से वाले काजू है काजू डबल काजू अच्छा ये भी इसका हाफ केजी है अच्छा ये इसका छोटा वाला हाँ जी इसका छोटा ये 750 रुपये में मिलता है वो 1500 ये वाला कौन सा सिंगल अखरोट वाला इसका हाफ के जी ओके ये डबल अखरोट इसका हाफ के जी तो इनसे इनमें से जो ज़बरदस्त लाइक लोग क्या पसंद कर रहे हैं ज़्यादा ये सारा ही ज़बरदस्त है देसी घी में बनता है एक नंबर होता है ज़बरदस्त तो कितने डेली आप लोग सेल कर देते हो डेली कितना आप लोग का सेल हो जाता है दिन में कितना बिक जाता है बिक जाता है दो तीन मन बिक जाता है सोने हलवा अगर मुल्तान की स्पेशल आपने कुछ जो ज़्यादातर मेरे हिसाब से किले हैं और साथ में जो है मज़ार हैं लेकिन साथ में जो है इनका जो सोना हलवा होता है वो काफ़ी मशहूर है काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं आप लोगों को कुछ किस्म के मैंने दिखा दिए और जो इनका अपना किचन है उधर फ्रेशली बनाते भी रहते हैं आते भी रहते हैं सेल भी करते हैं सो बाहर से मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ कौन कौन से शॉप कदीराबाद तरीन रोड में आपको बहुत किस्म के जी मिलेंगे ये साथ में भी हैं आप लोग ये दिखाते हैं ठीक है ये भी हैं साथ में वो हैं ये एक और है इनका भी हम बाहर से इनके पास भी सोने हलवे काफ़ी मशहूर सोन हलवा काफ़ी आसान दिखा रहे ठीक है 301 है सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर और वी आर पाइनियर इन अब्दुल मतूब 301 सबसे पहले जो यहाँ पर शॉप खुली थी वो हमारी थी 301 तो फिर बाद में माशाल्लाह ये सारी मार्केट इस्टेब्लिश हो गई है तो सभी अपना अपना शेयर इसमें जो है ना दे रहे हैं और एज यू नो के मुल्तानी हलवा मुल्तान मशहूर है मुल्तान मशहूर है हलवे में जो भी आता है जिस मुल्तान का हलवा जो है तो कौन से किस्म के यहाँ पर मेरे उसे भी पता कि काजू काफ़ी चलता है हाँ हमारे पास काजू की वैरायटी है अच्छा डबल अखरोटी है सिंगल अखरोटी है इसके अलावा सिंप सादा है अच्छा तो ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो अखरोटी पसंद अखरोट की अखरोट की और फिर जब विंटर सीज़न आता है तो काजू वाला भी बहुत पसंद सो गाइस इनके पास भी हैं अब्दुल वदूद वी आर पायनियर अच्छा आप लोग का शुरुआत इधर है बाकी जो आए हुए हैं वो आपके बाद तो कितने साल पुराना है ये तकरीबन यहाँ पर हमें 25 साल हो गए 25 ईयर लेकिन ओवरऑल जो अब्दुल वदूद का ब्रांड है वो ओवरऑल 50 ईयर्स मुकम्मल है माशाल्लाह ज़बरदस्त चलें थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत थैंक यू इनका जो है मशहूर आज 50 ईयर्स और भी बहुत सारे इधर एक और हैं इस तरीके से काफ़ी शॉपें हैं
इसी लाइन पे, ये देखो आगे आप लोग को ले जाते हैं जल्दी जल्दी। सो हे गाइस, इट्स मोर हियर, वी गॉट 95, वी गॉट द स्मॉलर वंस लाइक दैट, इस तरीके से छोटे छोटे हैं। इसी रोड पे आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, अगर आपने खाना है पीना है सामने, वो सामने दूध की बोतल वाले बेचते हैं अंदर, उनके पास भी काफ़ी अंदर भी पड़े हुए हैं, ये भी है, ये भी है, काफ़ी मौजूद है। आप अगर इट्स अप टू यू गाइस वेयर यू वांट टू कम इन मुल्तान, वलक सैद अहमद मुल्तानी और जो वदूद, जो अब्दुल वदूद की है, वो काफ़ी मशहूर भी है और पुरानी भी है। सो हलवा तो मेरा दिल कर रहा था खाने को, लेकिन गर्मी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन। हासिम मोहम्मद हुसैन, कितने साल से आपकी शॉप है? 36 साल। 36 साल। मैं मुलाजिम। अच्छा, मुलाजिम। तो ये कौन से हलवे लोग पसंद कर रहे हैं? ये लोग है चाचू बादाम वाला सादा। अच्छा, ये वाला सादा भी पसंद करते हैं। अखरोट कहते हैं काफ़ी लोग पसंद करते हैं। जी थे, ये है अखरोट वाला। अच्छा, अखरोट काजू वाला। अच्छा, देखें तीन किस्म के आपको दिखा रहे हैं जो काफ़ी लोग इधर के लोग पसंद। ये है सादा, ठीक है, ये है अखरोट। अच्छा, ये है डबल अखरोट काजू। देसी घी में आपका कौन सा रिकमेंडेशन है लोगों को? इधर देखो एक बार मेरे हलवे की खुशबू देखो, चाचू चाचू देखो, ये हैं असल उनके बेटे हाफिज अब्दुल वदूद साहब के, हर बंदा इनका नाम लिख के बैठ गया। चले वो देखो, महसूस ना करे ना। मैं मुलाजिम हूँ, तनख्वाह लेता हूँ, हक सच की बात करता हूँ, अल्लाह के कलाम का, बाकी जो बैठे हैं मेरे इनका नाम लेके ये असल मज़ा। मैंने कहा इधर ही एक चख लेते हैं, मेजोरिटी हर किसी का अपना टेस्ट तो होगा, सेम होंगे लेकिन अलग, शायद थोड़ा बहुत फ़र्क होगा टेस्ट का, लेकिन ये वाला ट्राई करते थोड़ा सा देसी घी में। बिल्कुल, ये देखें जी, प्रॉपर देसी खप सॉफ्ट, रियली स्वीट दवा के ढाल। ये बंदा ज़्यादा भी नहीं खा सकता ना, ये थोड़ा थोड़ा करके खाता है ना नॉर्मली। एग्जैक्टली, तोहफे शोहफे के लिए काफ़ी अच्छे। लेकिन मुल्तान का मकसद ये था किला में जाना, किला का विज़िट करना, साथ में जो है ना जो मेन इधर की जो सोहन हलवा, ठीक है, और वो मेन मकसद था मुल्तान का। मज़े का है। अब जी हमारा प्लान है, निकलते हैं इधर से,